ज़कात के बारे में बताइए कि पाकिस्तान में हम ज़कात भेजें या इसी मुल्क में खर्च करें। ज़कात के बारे में उसूल ये है कि अगर तो हुकूमत लेती है तो फिर तो आपको उसी को देनी है। ये ज़कात जो है ये अगर रियासत या हुकूमत ना ले तो तब इनफरादी तौर पर देना होती है, वरना ये हुकूमत के हवाले करना लाजिम है। आपको मालूम है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस पर कार्रवाई की थी, यानी ये हुकूमत का हक है, वो ले लेगी। लेकिन आजकल के हालात में चूँकि हुकूमतें नहीं लेती बिलमूम, तो इस वजह से आप इनफरादी तौर पर देंगे। इनफरादी तौर पर अगर कोई ज़कात आप देते हैं या कोई सदका देते हैं या खैरात देते हैं, तो मैंने अभी एक सवाल के जवाब में अर्ज़ किया कि सबसे पहला हक आपके करीबी अजीज़ों का, आपके गिर्दोपेश के लोगों का, आपके पड़ोसियों का, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का है। अगर उससे कोई फाजिल है, ज़ाहिर है आप अगर यहाँ हैं तो हो सकता है आपके वालदैन वहाँ हों, हो सकता है आपके कोई करीबी अजीज़ वहाँ हों, तो इस अजीज़दारी की बुनियाद पर उनका हक भी बनता है। तो पहले ये हुकूक अदा कीजिए, उसके बाद फिर जिस काम में आप चाहें खर्च करें, फिर कोई मजीद पाबंदी नहीं है।